नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस समय हम मौजूद है द्वारका सेक्टर 2 में, जो मधुविहार के जस्ट सामने पड़ता है और यहाँ पर एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर बीती शाम एक लड़की का शव बरामद हुआ है जो क्षतिग्रस्त अवस्था में यहाँ पर इस स्पॉट पर पड़ा हुआ था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास आकर दिखाना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ पर यहाँ से गुजर रहे लोगों ने लड़की का शव देखा और उन्होंने तुरंत शाम को 6:03 पर डाबड़ी थाना जुरिस्डिक्शन के एरिया में 100 नंबर पे कॉल कर पीसीआर को बुलाया। और जब पीसीआर यहाँ पर आई तो उन्होंने वह शव अब इस समय यहाँ से हटा दिया है। उसका पोस्टमार्टम जारी है और ये बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र कम से कम 22 से 25 साल होगी। उसके चेहरे पर एवं उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी जलने के निशान जो हैं वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में बताए गए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने ये सब देखा, उन्होंने पुलिस को कॉल किया, तो उसके बाद क्या क्या घटना हुई। सर, जिस समय वो यहाँ पर शव मिला लड़की का, आप यहीं पर मौजूद थे? हाँ जी, मैं जा रहा था तो मैंने देख के मैं रुका था, तो शव 4:30-5 के बीच में वो दिखने को मिला था हमें। तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी थी, काफ़ी पब्लिक आने लगे, देख के जा रहे थे, तो उसमें से एक लड़का आया जो जाने वो भी चलता हुआ मुसाफिर था। उसने पूछा मुझसे कि 100 नंबर कॉल हुई है, मैंने कहा नहीं 100 नंबर। उसने फिर तुरंत अपने फ़ोन से 100 नंबर कॉल किया तो डाबड़ी थाने से PCR आई। फिर उन्होंने केस को बॉडी को उठा करके देखा तो बॉडी की हाल बहुत क्रिटिकल केस थी और उसके तन पे कपड़ा भी नहीं था बेचारी के। तो फिर उन लोगों ने वैसे घर के उसने फिर अपने बड़े अधिकारी को कॉल किया। फिर वो उसके बड़े अधिकारी जो भी DCP SCP सब आए हुए थे यहाँ पे। फिर बॉडी यहाँ से रात के 9:30 के बीच में बॉडी यहाँ से पुलिस वाले रिकवरी करके लेके गए उसको। फिर उसके बाद मैं चला गया था यहाँ से। तो आप जैसे कि आपने बताया कि पुलिस आई, आपने कॉल किया, 1-1.5 घंटे में पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद हुई, तो जो कंडीशन थी कैसे थी यहाँ पर? मतलब जैसे हम देख सकते हैं पीछे जो रोड है ये एक बंद रोड है, यहाँ पर ज़्यादा लोग इस समय शाम को यहाँ नहीं से निकलते होंगे, कूड़े का ढेर इधर है, तो ऐसे में यहाँ पर बॉडी मिली। आप यहाँ से जस्ट निकल रहे थे उस समय? हाँ जी, उस समय ये यहाँ पे 5-6 बजे के बाद ऐसा हाल हो जाता है कि जैसे कि बिल्कुल बेराना अंधेरा और कुछ भी नहीं दिखता है। कोई भी महिला और कोई भी लड़का भी अपने आप को सुरक्षित नहीं है, कूड़े का ढेर रहता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जिसके कारण से ये केस ऐसा वारदात हुआ यहाँ पे। अगर लाइट और CCTV कैमरे अगर लग जाते हैं यहाँ पे तो ये केस क्रिटिकल जो भी केस होता है ऐसा वो नहीं होगा। हाँ जी सर, आप क्या बताना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं वही बता रहा था कि यहाँ कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं यहाँ बहुत सारे, कोई भी आता है गाड़ी वाला यहाँ कूड़े का ढेर डाल के चला जाता है। हम लोग तो बाद में आए थे, जब पुलिस आ गई थी तब आए थे हम। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, यहाँ पर एक कूड़े का अंबार इकट्ठा हो जाता है, जो भी कूड़े की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आकर अपनी मर्जी से ही कूड़ा डाल के चली जाती है। हम देख सकते हैं यहाँ आसपास कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाता है। और जिस प्रकार से दिल्ली में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा किए जाते हैं, जो लाखों हज़ारों CCTV लगाने की बात की जाती है, यहाँ पर वो हम चीज़ देख रहे हैं कि वो चीज़ यहाँ से गायब है। ज़रूरत के मौके पर जहाँ पर CCTV होना चाहिए था, जो अंधेरी रोड पर CCTV होना चाहिए था, CCTV यहाँ पर मौजूद नहीं था। यदि यहाँ पर CCTV मौजूद होता तो अपराधियों की पहचान जल्द से जल्द कर ली जाती और हो सकता है कि अभी तक उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया होता। तो यहाँ पर जैसे सर, यहाँ पर एक कल लड़की का शव मिला, तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर कितनी आम है? यहाँ पे बराबर ये घटना घटती रहती है यहाँ पर, ये रास्ता बंद होने की वजह से ज़्यादा है और यहाँ पे सफाई नहीं रहती बिल्कुल भी, कोई सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं आना जाना नहीं कर सकते इस रास्ते से, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे। 2 साल पहले भी मिली थी, बीच बीच में यहाँ पे घटना घटती रहती है सारी, ये यहाँ पे कोई प्रोग्रेस है नहीं ऐसा। तो आपने बताया सर कि ये रास्ता बंद है, पहले रास्ता खुला हुआ था? पहले ये रास्ता खुला हुआ था, तब ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब जब से रास्ता बंद हुआ है तब से उसके बाद बंद हुआ है? हाँ, ये रास्ता बंद होने के बाद से बहुत ज़्यादा क्राइम होने लगा है यहाँ पे, लोगों को इस रास्ते से बहुत दिक्कत हो रही है अब। ये रास्ता बंद क्यों कराया गया था सर? रास्ते का कोई रीजन ऐसा कुछ है नहीं, DDO वालों को पता नहीं क्या है, रास्ता बंद करवा देते हैं हमेशा। इससे पहले भी इन लोगों ने ऐसा हरकतें किया था, आगे उन्होंने DDO वालों ने दीवार घेर रखी है, दीवार उठवा रखा है, ठीक है, जबकि रोड पर दीवार उठाना कोई अपराध है, इनको इस चीज़ को भी पता नहीं है और ये कदम अपने आप करते रहते हैं। ये
फिर इन लोगों ने कंप्लेंट किया, डाबड़ी थाना हमारा पड़ता है, SHO साहब ने इसको बंद करवा रखा है। हम तो ये गुजारिश करते हैं कि दरवाजा ये खुलना चाहिए, साफ़ सुथरा और लाइट और कैमरे हो जाए तो सारी क्राइम बंद हो जाएगी। इससे पहले 2 साल पहले भी बॉडी मिली थी और मिलता ही रहता है यहाँ पर, ऐसा होता ही रहता है। 6 बजे के बाद कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ, मैं खुद रहता हूँ, हम भी सुरक्षित नहीं है। फोन छिन जाता है यहाँ पे, स्नैचिंग की घटनाएं भी यहाँ, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, और हर 2-4 दिन में यहाँ पे कहता बच्चे का फोन छिना जाता है, लेडीज़ का फोन छिना जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे 8-10 कंटिन्यू। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे 8 साल हो गए रहते हुए, 8 साल में ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता कोई अधिक जो यहाँ पे स्नैचिंग या कोई इस हादसे होते ही रहते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू ये काम यहाँ पे होते रहते हैं। अक्सर डेड बॉडी 1-2 साल में कहते डेड बॉडी मिल जाती है यहाँ पे पड़ी हुई, वारदात बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अभी तो आप लोग आए हो तो बिल्कुल MCD वालों ने सुबह यहाँ पे JCB लगवा के साफ करवा दिया है, नहीं तो इससे पहले यहाँ पे इतना कूड़े का एम्बर लगा पड़ा था, पूरा इतना गंद रहता है, बहुत ज़्यादा गंद रहता है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते MCD भी और ना यहाँ का प्रशासन, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, सरकार हो, इस एरिया में कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ पे, झांकने तक नहीं आता कोई। जो यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं, जैसे आपने बताया स्नैचिंग की, लूटपाट की मामूली घटनाएं, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करी गई है आज तक? कई बार पुलिस कंप्लेंट आती है, पुलिस आती है अपना राउंड मार के चली जाती है, कोई अगले दिन वही कांड होता है। तो यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंटली बीट वाले घूमते होंगे? बीट वाले तो यहाँ पे आते ही नहीं होंगे। नहीं नहीं आते तो है, पर वो राउंड मार के अपना चले जाते हैं, अपना 1-2 मिनट के लिए आते हैं, घूम के चले जाते हैं बस। खाली यहाँ पे एक परमानेंट पोस्ट बना दे देनी चाहिए कि भाई यहाँ पे इतनी वारदात हो रही है। यहाँ पे आप दाबड़ी थाने में जाके चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको हर हफ्ते की कॉल मिलेगी, एक हफ्ते की आपको एक फ़ोन या कोई चैन वैन तोड़ने की इस तरह की वारदात मिलेगी आपको कंटिन्यू। हमारा खाली एक लम्बा गली में मुड़ के आएगा, हमारे कैमरे में ना कोई रोज़ चेक करवाने आता है कि भैया मेरा फ़ोन छीन के इस गली में भगे थे, कभी कुछ ऐसे वारदात होती रहती है। प्राइवेट कैमराज लगे हुए आपकी गली में? हाँ, प्राइवेट कैमराज लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई इस क्षेत्र में लाइट की या CCTV? ऐसा कुछ भी नहीं है, रास्ता पहले चालू था तो ऐसे कार तक आना जाना हो जाती थी। ये हमारा इलाका विधायक भावनाकोट का पड़ता है, और उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये इस पर ध्यान दें, लाइट और कैमरे का वो जल्द से जल्द यहाँ काम करें इस चीज़ को, और रास्ते को खुलवाए वो, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। मैं इस इलाके में मधु विहार का ही वासी हूँ, और भावनाकोट जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि उस चीज़ पर ध्यान दें वो। तो जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ पर लाइट ना होने के कारण और CCTV ना होने के कारण ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती है, आए दिन यहाँ पर लूटपाट और स्नैचिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं पीछे जो ये रास्ता है, ये रास्ता पहले ही खुला हुआ था और इस समय रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुनसान हो जाती है ये सड़क पूरी रात, और यहाँ पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें प्रशासन का भी डर नहीं रहा। एक बहुत ही शर्मनाक घटना को यहाँ पर, वो मेन रोड पर आप देख सकते हैं, पीछे मेन रोड है, मेन रोड के सामने यहाँ पर एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, एक लड़की की हत्या कर उसका शव यहाँ फेंक दिया गया कूड़े के ढेर में। कूड़े का ढेर बताया जा रहा है कि आज सुबह ही साफ़ किया गया, इससे पहले यहाँ पर कूड़े के पहाड़ इकट्ठा हो जाया करते थे। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।